तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मेरे को बहुत बंदों के मैसेज आए कि सेंसिटिविटी पे एक आध वीडियो बना दो, तो फिर आज अपन उसी पे एक वीडियो बनाने वाले हैं। सेंसी कैसे सेट करनी चाहिए अपन अपनी खुद की, बहुत इजी। अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो फिर बने रहिए और एंड तक देखें। ये अपन इधर आ चुका है अभी अभी चलते हैं सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी ये कैमरा फ्री लुक कैमरा, ये सेम ये की कॉपी कर लो, ये इतना कुछ नहीं है बकचोदे सारी। मेन सेंसी होती है एडीएस और कायरो। एडीएस सेंसी मुझे आप जब स्कोप ओपन करोगे, ये एडीएस होता है, समझ गए? एक से दूसरे तरफ, दूसरे से एस एस, ये एडीएस सेंसी होती है, मतलब स्विच। और ये एडीएस मतलब आप कितना भी रखो फर्क नहीं पड़ता, मतलब कम ही रखना चाहिए एडीएस अगर आप जायरो प्लेयर हो तो। और जायरो देखो, जायरो मतलब बवाल चीज़। जायरो की मेन सेंस होती है जायरो में आप अपना रिकॉइल, जीरो रिकॉइल स्प्रे दे सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ वो कैसे सेट करनी चाहिए जायरो की सेंसिव। तो फिर देखो ये कितना है, 3x। हाँ, ये 3x, 6x लगाने के बाद उसका 3x करना ज़रूरी है, समझ गए लोंडे लोग? अब ये देखिए, इस स्प्रे दे रहे हैं अगर आपका मतलब ये ऊपर जाने लगे ना, ऐसा ऐसा ऊपर जाने लगे ना, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, तब आप क्या करना, ये 5 से इंक्रीज करना, समझ गए? और अगर नीचे ये ऐसा नीचे 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 उसका रिकॉल जाने लगता है, तब 5 से कम करना, 5 से इंक्रीज 5 से कम, समझ गए? ऐसे करके आप अपनी परफेक्ट सेंसी सेट कर सकते हैं। और जायरो के लिए फ़ोन को ऐसे धीरे धीरे नीचे करना भी ज़रूरी होता है, वो ध्यान। ये सेंसी देख लीजिए, मतलब हर फोन की मतलब हर फोन को जायरो वे मतलब जायरो सेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब सपोर्ट करती है। जैसे मेरा रियलमी है, मेरे पे इतना 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 कर चलता है, ये देखो। और ये 4x मतलब ये डीपी का है, अगर आप M4 4x करना चाहते हैं तो ज़्यादा लगाना चाहिए। मेरे पे 2 32 30 पे ठीक होता है, 230 पे मेरे 4। टू थर्टी पे मेरे पे अच्छा स्कोर। तो फिर ये इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और डीपी का बताता हूँ आपको, एक मिनट खाली। इसके लिए ये सेंसी 130 के आसपास, 130 मतलब आप अपना सेट करिए, 120 से स्टार्ट करिएगा आप। किधर गई डीपी? डीपी 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 कहाँ गई? हाँ ये रही। और ये 7 कैमो लेते अपन। और ये डीपी पे 4x लगा। और ये ऐसे क्राउच करने का स्कोप ओपन, और ये देखा मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ये मतलब स्प्रेड होता है, रिकॉल कंट्रोल कर होता है इस सेंसी से।
और डीपी जब चलाएंगे आप तब ट्राई करना, मतलब इस ब्रश ब्रश देने का, ऐसे करने का, हो गया हो गया। चार पांच बुलेट मारने का, स्टॉप, चार पांच बुलेट स्टॉप, ऐसा ऐसा करिए। चार पांच बुलेट में एक बंदा ख़त्म, नॉक। बैठना ज़रूरी है, बैठने से आपका रिकॉइल मतलब ज़्यादा कंट्रोल होगा, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी बुलेट। अब हमें वहां से बग्गी लेनी पड़ेगी। तो फिर इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको और कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताना, और उसके साथ ये एसएनसी सेट करते वक्त ये ड्रिल, ये क्या लग रहा है अभी, जो पहले स्टमक पे फिर हेड पे और फिर इधर से वापस, समझ गए। ऐसा ऐसा करिएगा और बस, जब तक आप मास्टर नहीं हो जाते तब तक इसका प्रैक्टिस करिए। मैं भी अभी वही कर रहा हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं अभी अपन अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।